नमस्कार दोस्तों, दोस्तों साल 2025 जो कि अगले साल आने वाला है 2025, ये बिहार के लिए काफ़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाला वर्ष है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जो बिहार में नया दल बनने जा रहा है जन स्वराज पार्टी, जिसके नायक, जिसके मुखिया, जिसके सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर हैं, वो 2 अक्टूबर को यानी कि 2024 में ही 2 अक्टूबर को जन स्वराज नाम से एक पार्टी का गठन भी करने जा रहे हैं। और जन स्वराज पार्टी 2025 में विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में अपना पार्टिसिपेट करेगा। इसीलिए बिहार के भविष्य 2025 के बाद क्या कुछ होगा, क्या बिहार में नीतीश कुमार ही आएंगे या फिर तेजस्वी यादव, वो भी मुख्यमंत्री की रेस में काफ़ी आगे हैं, या फिर नया जो दल बनने जा रहा है प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी, वो आएगा। 2025 में क्या कुछ होगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी ही करेगी, लेकिन अभी जो मौजूदा समय है, मौजूदा जो खबर चल रही है, मौजूदा हालात जो दिख रहे हैं, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी यानी कि प्रशांत किशोर बीजेपी, आरजेडी और नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर जरूर देंगे। नीतीश कुमार के लिए जन स्वराज पार्टी रास्ते का एक बड़ा पत्थर साबित होने वाली है। दोस्तों प्रशांत किशोर ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है और प्रशांत किशोर ने तो ये तक कह दिया कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में कौन होगा, इसके बारे में प्रशांत किशोर ने काफ़ी खुल के बोला, जो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर खुद जन स्वराज पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर ने इस पर क्या कुछ कहा है पहले आप उसे सुनिए, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बात बिहार के चुनाव की हो रही है। पहले सुनिए प्रशांत किशोर ने बिहार में मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन बिहार में तो विकल्प नहीं है, उसी विकल्प को बनाने का ये प्रयास है। दल बने, विकल्प बने, लेकिन वो दल और विकल्प प्रशांत किशोर नहीं बनाए, उसको बिहार की जनता मिलकर बनाए। ये दल बने तो उसके नेता प्रशांत किशोर नहीं बने, दल का नेता वो बने जिसको बिहार के सब लोग मिलकर नेता बनाए। मैं इस दल का नेता नहीं हूँ, 2 बरस से कह रहे हैं, और 2 अक्टूबर को दल बनेगा तो आप देखिएगा, पेपर में पढ़िएगा, दल का नेता कोई दूसरा बनेगा। हमारी भूमिका कुम्हार की है, घड़ा कैसे बनता है, मिट्टी और चाक से। बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो बड़ा से बड़ा कुम्हार भी घड़ा नहीं बना सकता है। तो हमारी भूमिका कुम्हार की है और गांव-गांव से अच्छी मिट्टी और चाक ढूंढ रहे हैं। आपके बीच से ऐसे लोग हैं जिनमें वो ताकत है, समझ है, जिनको हम थोड़ा सा सहारा दे दें तो वो खड़ा होकर बढ़िया नेता बनेगा और अपने समाज के लिए कुछ करेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके जाति के ज्यादा लोग नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति का ज्यादा समझ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। पैसे की चिंता, व्यवस्था, चुनाव लड़ने की चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। विकल्प नहीं है, इसका रोना रोना बंद कीजिए। वैसे दोस्तों आप हमें ये जरूर बताना कि कमेंट में, आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताना कि 2025 में बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, किस पार्टी की सरकार आने वाली है, क्या बीजेपी और जो नीतीश कुमार का अलायंस है यानी कि बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है, डबल इंजन की जो सरकार है, ये फिर से वापस आएगी, क्या 2025 में भी पहले की तरह ही नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर तेजस्वी यादव आएंगे, या फिर जो ये नया दल बनने जा रहा है जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर जिसके नायक हैं, ये जो नया दल बनने जा रहा है इनमें से कौन चेहरा हो सकता है मुख्यमंत्री का, क्योंकि दोस्तों जन स्वराज पार्टी को सपोर्ट पूरा मिल रहा है। जन स्वराज पार्टी को लेकर बिहार की जनता में भी, खासकर बिहार के युवा वर्ग में उत्साह काफ़ी दिख रहा है। बिहार की जनता प्रशांत किशोर को एक नए उम्मीद की तरह जरूर देख रही है। आप हमें कमेंट करके बताना 2025 में किसकी सरकार बनने जा रही है या आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं कल इसी समय में इसी चैनल पे, तब तक देखते रहिए द NPG। धन्यवाद।